माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 2021 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है हिंदी का, और उसमें पहला क्वेश्चन है कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है अकर, बी में दिया है डंठल, सी में दिया है डंग, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओट। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा शब्द एक स्त्रीलिंग है। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है अकर में जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और बाद बाकी ये जो डंठल है, ये डंक है और ये ओड है, ये तीनों हमारा क्या है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये तीनों हमारा पुल्लिंग शब्द है और अकर हमारा क्या है, तो अकर हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, हमें शब्द में कौन सा कारक है। ठीक है, आपको बताना है कि हमें शब्द में कौन सा कारक है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है कर्ता कारक, बी में दिया है अपादान कारक, सी में दिया है कर्म कारक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संप्रदान कारक। ठीक है, तो आपको बताना है कि हमें शब्द में कौन सा कारक है। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। ठीक है, हमें शब्द में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। तो चलिए आइए समझते हैं कि हमें में कैसे कर्म कारक होगा, नहीं तो बहुत बच्चे को लगेगा कि कर्ता कारक है। ठीक है, कैसे, तो जैसे हम बोले कि हमें पढ़ना है। ठीक है, हम बोले हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर हमने तो नहीं होगा, हमने पढ़ना है फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, हमको पढ़ना है, तो को है, तो ये हमें में कौन सा कारक हो गया, हमारा कर्म कारक हो गया। कर्ता में कौन सा कारक होता है, जैसे मैंने होता। ठीक है, मैंने होता। ठीक है, मैंने होता या फिर हमने होता, तो क्या होता हमारा कर्ता कारक। अपादान कारक, अपादान का विभक्ति चिन्ह हम सभी जानते हैं, से होता है अलगाव के लिए, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। संप्रदान कारक का क्या होता है, को के लिए। ठीक है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। ठीक है, जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो शिक्षक कार्य कर रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से प्रत्यय से पूछा जा रहा है, और प्रत्यय हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ बताना है किसमें तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, आपको बताना है किसमें तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया नयन, बी में दिया गाने वाला, सी में दिया मानवता, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वेदना। तो चलिए सभी बताइए इसका आंसर किसमें तद्धित प्रत्यय है, बताइए सभी को। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है उनका राइट आंसर है मानवता में हमारा तद्धित प्रत्यय है। तो प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा था कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी के शब्द के बाद लगता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने दो प्रत्यय पढ़ा था, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो क्रिया के बाद लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते थे, और जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। तो ये मानव क्या है, मानव हमारा संज्ञा है, इसके बाद ता प्रत्यय लगा है ना, तो मानवता हमारा क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय। वही गाने वाला क्या हो गया, तो गाने वाला हमारा क्या हो गया, कृत प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ विशेषण से है, तो इनमें से कौन सा विशेषण है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया अंकित, बी में दिया उपस्थिति, सी में दिया गर्मी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया अभिलाषा। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए अंकित। अंकित क्या है, तो विशेषण है। कैसे, क्योंकि इसमें अंक में, अंक जो संज्ञा शब्द है इसमें इत प्रत्यय लग के ये हमारा बना है विशेषण। ठीक है, अंक संज्ञा शब्द में इत प्रत्यय लग के हमारा बना है शब्द अंकित जो है विशेषण, और उपस्थिति गर्मी और अभिलाषा, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समाज से हमारा, समाज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, तो समाज आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे किस शब्द में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए में दिया पराधीन, बी में दिया हथकड़ी, सी में दिया नीली गाय और ऑप्शन नंबर डी में दिया आजम, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि किस शब्द में जो है ना अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसका प्रथम शब्द अव्ययी हो या फिर प्रथम शब्द उपसर्ग हो, ठीक है, उपसर्ग हो या फिर शब्द की पुनरावृत्ति हो तो भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। तो आजम में हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, इसमें आ क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। अब बात करें पराधीन की, तो पराधीन क्या है, ये तत्पुरुष समास है। हथकड़ी तो ये भी हमारा तत्पुरुष समास है। और ये क्या है, नील गाय, तो नील गाय हमारा क्या है, कर्मधारय समास। और ये बहुत अच्छे से हम लोग समास पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में आपको तत्पुरुष और कर्मधारय नहीं बताई, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि यह अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया अपूर्व, बी में दिया है तस्कर, सी में दिया अनूठा और ऑप्शन नंबर डी में दिया अतुल। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि यह अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए, वेरी गुड। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, ये तस्कर अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अपूर्व, अनूठा और अतुल, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, अनुपम के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन तस्कर हमारा अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तस्कर का मतलब क्या होता है, चोर, तस्करी करने वाला अर्थात चोरी करने वाला, ठीक है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आपको बताना कि अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। अपेक्षा शब्द का इनमें से कौन सा है जो अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया इच्छा, बी में दिया आशा, सी में दिया आवश्यकता और ऑप्शन नंबर डी में दिया नतीजा, ठीक है। तो आपको बताना है कि अपेक्षा शब्द का कौन सा जो है अर्थ नहीं है, ठीक है। आपको बताना है अपेक्षा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी डी आ रहा है उनका राइट आंसर है नतीजा जो हमारा अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, इच्छा, उम्मीद, आशा, आवश्यकता, यही सब ना होता है। तो इच्छा, आशा और आवश्यकता हमारा क्या हो जाएगा, अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा। लेकिन नतीजा हमारा अपेक्षा का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि नतीजा का अर्थ क्या होता है, परिणाम, है ना। नतीजा का अर्थ क्या होता है, परिणाम, ठीक है। तो सभी को ये समझ में आ गया। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विपरीतार्थक शब्द से आपको बताना है उन्नति का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि इनमें से उन्नति का विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया अवनति, बी में दिया विगत, सी में दिया अस्त और ऑप्शन नंबर डी में दिया अवनी। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि उन्नति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, तो अवनति होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, हम सभी जानते हैं। तो अब चलिए बताइए विगत का क्या होता है विलोम शब्द, चलिए विगत का क्या होता है जल्दी से बताइए। तो विगत का आगत होता है, ठीक है। बात करें अस्त, तो अस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। बात करें अवनि, तो अवनि का अर्थ क्या होता है, धारा, ठीक है। अवनि का अर्थ होता है धारा या फिर धरती, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, ठीक है। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंबर अर्थात आकाश, ठीक है। अंबर अर्थात आकाश हमारा हो गया अवनि का विलोम शब्द, ठीक है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुहावरा से पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मुहावरा से पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि अक्ल की दुम, ठीक है, अक्ल की दुम का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में दिया अपने को बड़ा होशियार समझने वाला, बी में दिया सीधा साधा, सी में दिया है मूर्ख और ऑप्शन नंबर डी में दिया बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से जो है ना कौन सा अक्ल की दुम का मुहावरा है, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका आंसर, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने को बड़ा होशियार समझने वाला, ठीक है। यहाँ पर मुहावरा से समझ में आ रहा अक्ल की दुम, ठीक है, अक्ल की दुम,
मतलब बेवकूफ, बेवकूफ तो नहीं होगा जो जिसके पास अक्ल नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत होशियार समझता है, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे अक्ल की दुम। यही अगर रहता अक्ल पर पत्थर पड़ना तो उसका क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेखक रचना रचनाकार से आपको बताना है कि यह तुलसीदास की रचना नहीं है, ठीक है। तीन रचना दी हुई है, उनमें से बताना है कि कोई एक जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है रामचरितमानस, बी में दिया है दोहावली, सी में दिया है विनय पथिक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राम की शक्ति पूजा। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि यह तुलसीदास की रचना नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो है तुलसीदास जी का रचना नहीं है। और तुलसीदास जी की रचना बहुत बार आपको बता चुके हैं, चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचरितमानस, दोहावली और विनय पत्रिका ये सभी किनकी रचना है, तो ये तुलसीदास जी की रचना है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन राम की शक्ति पूजा तुलसीदास जी की रचना नहीं है, किनकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है राम की शक्ति पूजा, ठीक है। सभी को ये समझ में आ गया, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बच्चों रचना और रचनाकार से पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि स्मृति की रेखाएं, ठीक है, स्मृति की जो रेखाएं हैं ये किन की रचना है। ऑप्शन ए में दिया महादेवी वर्मा, सी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया रविन्द्रनाथ ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रेमचंद, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि स्मृति की रेखाएं किन की रचना है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ठीक है। स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हम आपको बता चुके हैं। तो अब एग्जाम में 20 से 25 दिन बचे हैं, इसलिए आपका HW है कि आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें दो दो रचनाएं, ठीक है। दो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, दो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की, दो प्रेमचंद जी की, आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर आपको हम इसे पहले पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से निकाल के अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, कबीर के दोहे में कर का मन का डारी दे, मन का फेर में आखिरी फेर का अर्थ है, ठीक है। ये कबीर जी का एक दोहा है, उसमें है कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर में आखिरी फेर का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए में दिया है घुमाना, बी में दिया है दोबारा, सी में दिया है अंतर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है का। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए, चलिए जल्दी कोई लाइव जल्दी सभी लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए घुमाना, ठीक है। कबीर के दोहे में जो कर का मन का डारी दे, मन का फेर में जो आखिरी फेर है, इसका अर्थ होता है घुमाना, ठीक है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए में दिया अनाथिनो, बी में दिया है गायिका, सी में दिया है प्रेसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सृष्टि। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है ना, उनका राइट आंसर है अनाथिनो जो है हमारा अशुद्ध शब्द है, गायिका, प्रेषी और सृष्टि ये हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है, लेकिन अनाथिनो हमारा अशुद्ध शब्द है, क्योंकि अनाथिनो का कोई अर्थ नहीं प्रकट होके आ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, अनाथ, ठीक है, अनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, इससे पहले आपको बताना था कि कौन सा अशुद्ध है और अब आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन ए में दिया साप्ताहिक, बी में दिया व्याकुल, सी में दिया समुद्रिक और ऑप्शन नंबर डी में दिया हिंदू। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा शब्द जो शुद्ध है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी है ना, उनका राइट आंसर है व्याकुल जो हमारा शुद्ध शब्द है, साप्ताहिक, समुद्रिक और हिंदू ये तीनों तो शुद्ध लग रहे हैं लेकिन ये अशुद्ध शब्द है। चलिए इसका शुद्ध हम लोग लिख लेते हैं, तो साप्ताहिक नहीं होता है बच्चों, साप्ताहिक होता है, ठीक है, साप्ताहिक होता है, यहाँ पर आकार छुटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट समुद्रिक, तो समुद्रिक नहीं होता, सामुद्रिक होता है, ठीक है, सामु
दृक् होता है। एक छोटा सा आकार की वजह से ये पूरा शब्द अशुद्ध हो गया है, ठीक है। हिंदू, तो हिंदू में छोटी उ की मात्रा है, इसमें बड़ी उ की मात्रा होगी, ठीक है ना, बड़ी उ की मात्रा होगी, तो हिंदू हमारा ऐसे शुद्ध होगा, ये वाला अशुद्ध है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कौन एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया गंगा, बी में दिया गर्मी, सी में दिया ढग और ऑप्शन नंबर डी में दिया दल। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ढग, ठीक है। ढग जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। अब चलिए आइए देख लेते हैं कैसे। तो पहला है गंगा, ठीक है, तो गंगा क्या हमारा व्यक्तिवाचक है, ठीक है, गंगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात करें गर्मी, तो गर्मी क्या ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। दल, दल क्या है हमारा समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। और बच गया ढग हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। और अब आप लोग का काम है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करो, कमेंट्स करो, क्योंकि कमेंट और लाइक करते हो तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग रोज़ रोज़ क्लास लाएँ, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।